वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिंचोली से सोनप्रयाग तक मार्ग क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति के लिए 9,64,00,000 की राहत धनराशि को हस्तांतरण किया। बता दें कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने प्राप्त जानकारी के अनुसार 9,08,00,000 की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत की थी, जिसके बाद सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों के लिए 56,00,000 की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की। बता दें कि इस साल 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिंचोली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे विभिन्न व्यवसायियों स्थानीय लोगों को काफी नुकसान भी हुआ था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।